स्वागत है आप लोगों का मेरा YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को कमला झरन दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। कमला झरन को देखने के लिए आप लोगों को धर्मगढ़ से 30 किलोमीटर दूर दसपुर गांव से 5 किलोमीटर के अंदर आने पर आप लोगों को कमला झरन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा। जहाँ पे वो कमला झरन है वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, यहाँ पर आके पिकनिक कर सकते हो। ये कमला झरन चूरा पहाड़ के अंदर आता है और चूरा पहाड़ में कई सारे इतिहास और कहानियाँ जुड़ी हैं। धीरे धीरे आप लोगों को हम सब बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और जो लोग हमारे चैनल नया हो तो सब्सक्राइब करिए। यहाँ आप लोगों को इसी टाइप का झरना देखने के लिए मिलेगा। इसी झरने को ही कमला झरन बोलते हैं। ये पहाड़ के चारों तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है और नेचुरल साउंड आपको वाटर के सुनने के लिए मिलेगा। चलिए फिर आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर बनाया गया है पूजा करने के लिए। यहाँ से ऐसा दिख रहा है, छोटे छोटे झरना के साउंड आप लोगों को यहाँ सुनाई देगा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर देखते हैं। बड़ा पत्थर के नीचे एक मंदिर जैसा बना के भगवान शिव का पूजा किया जा रहा है। अंदर बहुत से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। आप लोग भी यहाँ पिकनिक करने के लिए आते हो तो यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। जहाँ भी जाओगे यहाँ आसपास में आप लोगों को ऐसे ही झरना देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। सब छोटे छोटे झरना ही यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस जगह को लोग कमला झरन के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पिकनिक के लिए भी आते हैं। शिवरात्रि के दिन बहुत से भीड़ होता है यहाँ पे। बहुत से लोग अपना पूजा करने के लिए आते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।